जो भी कार्य यापी है उसको अच्छी तरह करने का विचार। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार उम्मीदवार चौथे चरण में नामांकन कर रहे हैं और गांव की सरकार बनाने को लेकर वो जनता के मैदान में उतर चुके हैं। आज हम बैठे हैं रातू प्रखंड के अंतर्गत बानापीढ़ी पंचायत के एक गांव में और हमारे साथ बात करने के लिए है बजरंग टाना भगत, जो कि मुखिया प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं और इस क्षेत्र से अपना भाग्य को आजमा रहे हैं। उन्हीं से हम जानते हैं कि गांव की सरकार बनाने में वो जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या मुद्दे हैं उनकी और क्या उद्देश्य है और जनता के वो बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में, आप सर अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम बजरंग टाना भगत हुआ, पंचायत बनापीढ़ी रहने वाला हूँ। और ये बताइए कि आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर क्या वोट मांग रहे हैं? मुद्दा जनता को देखते हुए ही है, गांव में जो सरकार बननी चाहिए जिसमें मुखिया ही हो, तो जो भी फंड हो या कोई भी गांव का समस्या हो, उस समस्या को पब्लिक से ना सुन के खुद से करने का कोशिश रखे और होना चाहिए, वो देख के ही हम खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि आप युवा हैं, क्या मुद्दे हैं आपकी, किन मुद्दों को लेकर के जनता को आप समझा रहे हैं कि आप हमी को वोट दीजिए? आखिर आपको जनता वोट देगी तो किस आधार पर देगी, क्या समझा रहे हैं जनता को आप? जनता को अभी तक तो मिले नहीं है, समझाने के बाद यही है कि ऐसा व्यक्ति को अभी तक हम नहीं कहे कि हम ही को वोट दीजिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो गांव समाज या पंचायत को अच्छा से अच्छा कर सके, चाहे नाला हो या पानी हो या बिजली हो या वृद्धा पेंशन हो या कोई भी समस्या हो पंचायत के अंदर में, उसे वो समाधान कर सके। ये बताइए कि अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो क्या प्रमुख जो कामें होंगे जो आप करना चाहेंगे? पंचायत के स्तर में जो भी कामें होती है, जो भी कामें आना चाहिए, वो काम को लोग से चाहे पब्लिक बीच में डिमांड करके लाने का, या तो उस फंड में या उस पंचायत में जो भी कार्य यापी है उसको अच्छी तरह करने का विचार लेके। ये बताइए कि आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, कल नामांकन कराए हैं, अभी तक तो जनता के बीच में गए ही नहीं है, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। आपके जरिए अगर जनता के बीच मेरी बातें जाती है, वो देखते हैं, अगर वो समझे मेरे इस सब बातें को, छोटी छोटी शब्द में बहुत सारी बातें छिपी हुई है, अगर ये सब को समझे तो जनता अपने मुख्य पद बुलाने के। ये बताइए कि आप इस चुनावी रन में खड़े हैं, आपके पंचायत जो बानापीढ़ी है इसमें कितने वार्ड हैं, कितना जनसंख्या है और कितने वोटर हैं? हमारे वार्ड में 9 वार्ड होते हैं, वोटर लगभग 5,000 आसपास है, तो जनसंख्या वोटर 5,000 आसपास जनसंख्या बढ़ के है। ये बताइए कि आप चुनावी मैदान में जो जनता को रिझाने का कार्य कर रहे हैं, कई उम्मीदवार खड़े हैं, आप कितना अपने आप को मजबूत मानते हैं? मजबूत अपने आप को जनता का प्यार बोलिए या तो पंचायत का सपोर्ट बोलिए, अपने आप में मजबूत तो हम खुद में है ही है, लेकिन बन जाने के बाद में जो होगा पब्लिक और जनता का सपोर्ट और प्यार से, वो तो और ही रहेगा। ये बताइए कि ग्राम पंचायत में आप खड़ा हैं मुखिया के पद पर, क्या मुद्दे होते हैं ग्राम पंचायत के? ग्राम पंचायत के मुद्दे अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत में जितने भी कमियां हों, सरकार के थ्रू जो भी आती है गांव के लिए विकास की बात किया जाए या तो कुछ भी बात किया जाए, उस पर सारे मुद्दे को मद्देनजर में रखते हुए हम खड़ा कोशिश किए। चलिए, लास्ट सवाल है, गांव का जो मुखिया होता है वो गांव में सर्वप्रथम माना जाता है, सरकार का जो योजना है उनका काम है, सरकार का काम है योजना को बना देना, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट है वो मुखिया के कंधों पर होता है और सभी कार्य जो है मुखिया के अनुमोदन के आधार पर ही किया जाता है। आप मुखिया अगर आप बनते हैं तो कैसे कार्य को करेंगे, क्योंकि वर्तमान में देख रहे होंगे कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गांव की मुखिया भले सड़कें बने चाहे न बने, लेकिन मुखिया जी का आवास जो है टाइल्स मार्बल वाला बन जाता है, कैसे रोकेंगे इनको? ऐसा
भले ही सड़क बने या आवास ना बने, टैक्स मुरबल अगला का जो भी है अपने जगह में थे, वो किए कुछ भी किए उससे हमको मतलब नहीं है। हम अगर सत्ता पे आते हैं और पंचायत में सरकार जिस तरह से देती है, हम नियम के तहत जो भी काम होगा उसको करने का बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे, काम सफल बनाने में रहेंगे। चलिए, ये थे बजरंगी जी जो मुखिया प्रत्याशी हैं और लगातार ऑन द स्पॉट 24 के सवालों का जवाब दे रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि जनता अगर हमें इस बार चुनती है तो हम नियम पूर्वक जो है अपने पंचायत में विकास गति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जनता तक हर योजना को पहुंचाएंगे। तो आप देखते रहिए ऑन द स्पॉट 24। शुभेंदु पंडित रांची से, रिंकू सिंह के साथ।